नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव। बात करते हैं धनतेरस पर्व की। क्यों होती है इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा, मैं आपको इसकी शुभ तिथि शुभ मुहूर्त भी बताता हूं। 5 दिवसीय पर्व दिवाली की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। इस दिन धन के देवता कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी देव की पूजा का विधान है। जानते हैं कि इस साल धनतेरस पर्व किस दिन है। हिंदू धर्म में हर त्यौहार का अपना एक अलग महत्व होता है। दिवाली, दशहरा, धनतेरस ये कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिसका इंतजार हर व्यक्ति को साल के शुरुआत होते ही हो जाता है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसी दिन से दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा का भी विधान है। धनतेरस के पर्व का संबंध धन और समृद्धि से है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, इसी कारण इसे धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन बाजार से बर्तन, सोना, चांदी इत्यादि की खरीदारी करने का भी विधान है। जानते हैं 2022 में धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का जो त्यौहार है साल 2022 में 23 अक्टूबर दिन रविवार पड़ रहा है। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर में पूजा करके उनके आगमन की प्रार्थना की जाती है। जो धनतेरस का इस साल शुभ मुहूर्त है, पंचांग के अनुसार शाम 5:44 से शुरू होकर 6:05 50 सेकंड तक रहेगा। कुल अवधि जो है वो 21 मिनट की है। ये भी ध्यान रखना है कि धनतेरस पर हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी हैं, क्योंकि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस पर्व मनाया जाता है और इसके बाद कार्तिक अमावस पर दिवाली मनाई जाती है। जो धनतेरस का जो शुभ दिन है, इस दिन जो चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए वो हैं बर्तन, बट बर्तन किस तरीके के होने चाहिए ये ध्यान रखना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अशुभ हो इस दिन ना खरीदें, अदरवाइज जो सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है और ऐसी अशुभ चीज़ें खरीदने से लक्ष्मी भी रूठ सकती है। तो जो पहली चीज़ है वो जो नहीं खरीदनी चाहिए वो है स्टील के बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, परंतु ये बर्तन पीतल या तांबे जैसे शुद्ध धातुओं के ही होने चाहिए। धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदें, ये राहु के कारक होते हैं। इन्हें घर में लाना अशुभ और दुर्भाग्य कारक साबित हो सकता है और ना ही आपको अपने घर के अंदर स्टील के बर्तनों को सजा कर रखना है। इसी तरीके से एल्युमिनियम के बर्तन नहीं खरीदने हैं। एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाना अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन एल्युमिनियम को गलती से भी ना खरीदा जाए। कांच और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन घर में शुभ और समृद्धि और बरकत लाने का दिन है। इन चीज़ों को खरीदने से घर में शुभ और समृद्धि या फिर सुख समृद्धि और बरकत नहीं आती है। घर में पैसा नहीं टिकता है। कांच पर भी राहु का प्रभाव होता है, लिहाजा इस धनतेरस पर इसे घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों को भी नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ें सुरक्षित और स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए मान्यता है कि ये चीज़ें खरीदने से घर में बरकत नहीं रहती है। इसी तरीके से काली चीज़ें नहीं खरीदनी है। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीज़ ना खरीदें, इन पर शनि का प्रभाव होता है और धनतेरस के दिन सोना चांदी की चीज़ें या शुद्ध और शुभ चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। आप सभी को जो भगवान धन्वंतरी हैं और भगवान कुबेर हैं, इनकी कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे और धनतेरस आपके लिए शुभ हो। आने वाला साल दिवाली आपके लिए शुभ कार्य मंगलमय रहो है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल।